गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल भाई लोगों। तो मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका प्यारा, आपका दुलारा साइकिल बाबा आ गया हूँ दोबारा से आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। तो अभी कुछ भी कोई भी भाई मुझसे जुड़ा नहीं है, तो सॉरी यार, कोई जुड़ जाओ तो हम बातें करेंगे। और मैं बता कहाँ बैठा हूँ, एक रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ और सर्दी लग रही है भाई। टेम्परेचर राइट नाउ इज नियर बाय 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा अभी, तो 0 डिग्री के आसपास है। और अभी यहाँ पे टाइम हो गया है 3:30। 3:30 का मतलब है कि अगले और अंधेरा होने को है। देखो ये लगभग अंधेरा है, 4 बजे अंधेरा हो जाएगा। और मुझे कोई जगह नहीं मिली थी, मैं अभी राइड कर ही रहा था तो मैंने ये रेलवे स्टेशन पे आके ना, यहाँ कोई रेलवे स्टेशन है, इस यहाँ पे रेलवे स्टेशन ऐसे होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पे आके और आप लोगों से बातें करने का टाइम ला, क्योंकि बाहर यार बारिश भी आ रही थी तो मैं बात नहीं कर पा रहा था। खैर दोस्तों, सब लोग जुड़ रहे हो, आप लोगों का आज स्वागत है। आज लाइव करने का एक खास मकसद था यार, तो मैं यहाँ पर रख लूँगा इसको, फ़ोन को, फिर आपसे बात भी सही हो जाएगी। हाँ, अब बातें भी होती रहेगी, क्योंकि मुझे ग्लव्स डालना था यार, हाथ सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो खास मकसद था यार आज, एक सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए। तो हेलो डॉक्टर डियर राज, सबको नमस्कार और हाथ जोड़ के और जाडे में सर्दी वाली नमस्कार, गुड 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 गुड। और तो सबसे जो खास मकसद था आज लाइव करने का वो ये था कि भाई लोगों, अपना एक चीज़ आ गई है यूट्यूब की तरफ से, समझ तो सब गए होंगे क्या आ गया है, तो बताओ क्या आ गया। और दूसरी बात कि एक बार सब शेयर कर लो यार, काफ़ी भाई लोग जुड़े नहीं हैं जिनको पता नहीं होगा, याद नहीं होगा। हाँ भाई, 0 डिग्री रात तो ना -3 था टेम्परेचर, बट रात मैं ग्लासगो में था। अभी मैं कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं आयरलैंड में इंटर कर जाऊँगा यार, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आज रात को, मैं सोच रहा हूँ कि जिस जगह पे बैठे हैं यहीं पे कैंपिंग कर लेंगे या फिर स्लीपिंग बैग निकाल के सो जाएंगे, क्योंकि अभी शायद तो और बताइए कैसे हैं आप सब। बिल्कुल भाई, ख्याल तो रखेंगे। अरे वाह, एमडी इस्लाम ने बोला है कि सिल्वर प्ले बटन, बिल्कुल भाई आ गया सिल्वर प्ले बटन। तो सिल्वर प्ले बटन के लिए ही मैंने आप लोगों से, लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर यू, फॉर योर लव। और आप सबको राम राम जी, सलाम जी, दुआ जी, सत श्री अकाल जी सबको। और एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी भाई जुट रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो एक बार शेयर कर लो यार, जितने भी भाइयों को जोड़ सकते हैं हम जोड़ लेंगे, बातें करेंगे। फिर कुछ देर आज हम फ्री हैं अभी नेक्स्ट एक घंटे के लिए, क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाएगा और मैं यहाँ सो जाऊँगा आराम से, या फिर कहीं और जाके सोऊँगा, तो क्योंकि अंधेरे से पहले मैं सो भी नहीं पाता हूँ ना। कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन बॉस फॉर सिल्वर प्ले बटन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कौन थे भाई? मनीष यादव, ओके। तो भाई कितना है भाई, हाँ टाइम कितना है, 3:30 हो गए हैं भाई यहाँ पे। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, सेलिब्रेट फॉर मी, थैंक यू सर राव साहब। भैया पानी कैसे पीते हैं, राम राम भाई। तो भाई गोल्ड कप आएगा, पहले तो मैं बता दूं कि आप लोगों की दुआ से हम 1 लाख लोग जुड़े हैं, 1 लाख लोगों की दुआ से हमारा सिल्वर प्ले बटन आ गया, सिल्वर प्ले बटन आ गया है। और उस सिल्वर प्ले बटन का मैंने पहले भी बताया कि हमें करना क्या है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी वो उसके लिए मैं बता दूं कि उसका हमें करना क्या है। वो आप में से किसी भाई को जाने वाला है, मेरे पास वो नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो सड़क पे हूँ और अगले कितने सालों तक सड़क पे हूँ मुझे कोई नहीं पता यार, पर आप में से किसी भाई के पास जाने वाला है। तो उस भाई को करना क्या होगा, हम एक कंपटीशन शुरू करने वाले हैं प्लांटेशन का, तो जो कि मैं पहले भी एक बार लाइव में बात कर चुका हूँ कि हम प्लांटेशन, जो भी भाई अपने सबसे ज़्यादा प्लांट लगा के और वीडियो बना के और अपने फेसबुक पे साइकिल बाबा को टैग करके, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे साइकिल बाबा को कहीं भी टैग करोगे तो, और उसका वीडियो मैं देखूँगा, और अगले 20 दिन तक जो भाई सबसे ज़्यादा प्लांटेशन लगा के और वीडियो बना के मुझे भेज देगा और टैग कर देगा, जो भी विनर होगा उसका वीडियो हम यूट्यूब पे भी डालेंगे और उसको अपना जो सिल्वर प्ले बटन है वो उसको दे दूंगा भाई, मुझे कुछ नहीं करना। तो ये था सिल्वर प्ले बटन का, तो सिल्वर प्ले बटन को
करने के लिए अब आपको क्या करना है वो देख लो। सबसे ज़्यादा प्लांट कौन लगाने वाला है, कोई हाथ भी खड़ा कर दो, कर दो यार, कर दो कर दो कर दो, कोई कोई लगाएगा क्या? तो जो भी सबसे ज़्यादा प्लांटेशन लगा के कैंप और वीडियो अपने फेसबुक पे शेयर करेगा और साइकिल बाबा को टैग करेगा, तो उस ये सिल्वर प्ले बटन उसका है भाई, मुझे तो कुछ करना नहीं है। ऐसे डायमंड भी आपका ही होने वाला है, चिंता मत करो यार। अब मैं पहला बंदा हूँ जो सिल्वर प्ले बटन आपका किसी और भाई को दे रहा है, अपने दोस्तों को दे रहा है। तो भाई तो अब कैसा लग रहा है वो मुझे नहीं पता, पर मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते, या फिर मुझे कोई और तरीका देना पड़ेगा आप लोगों को देने के लिए। अगर कर सकते हो ऐसा कि भाई प्लांटेशन लगा के, सबसे ज़्यादा प्लांट लगा के, तो मैं उसको दूंगा, हाँ या ना में बता दो यार। लोकेश भाई कह रहा है हाँ 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 हाँ, मैं करूँगा। तो भाई जो भी करेगा साइकिल बाबा को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी टैग करोगे, और तो वहीं इस साल लगवाएं यार। देख कई बात झूठी बातें मत करो कि इस साल लगवाएं, जो मैंने लगवाए हैं वो तो ऐसे तो क्या है, मैंने भी लगवाया ही है ना, तो वो कोई बात नहीं होती। अब क्या लगा रहे हो, जिसका वीडियो बना हुआ है, लगाते हुए का वीडियो की बात करिए। मैंने यूँ तो पीछे तो पता नहीं क्या क्या लगा रखा है आपने, वो उस चीज़ का नहीं है भाई। तो और तो कोई खास बड़ी सी बात नहीं थी। तो अभी इस काफ़ी भाइयों ने, मतलब एक बार ये इसका लिंक होगा भाई, उसको अपने जाके, मैं एक मिनट के लिए बातें बंद कर रहा हूँ, तो आप जितने भी भाई हैं इसको शेयर का बटन लेके कॉपी लिंक करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे सबको शेयर कर दो भाई, फिर हम दोबारा से जुड़ेंगे। मेरा अपना सिल्वर प्ले बटन यार, सबके पास अपना अपना सिल्वर प्ले बटन आता है, पर मेरा, मैं तो समझता हूँ कि मेरा अपना नहीं है। जीमेल दे दो रुस्तम गिल, जीमेल है भाई RAJPHANDEN@gmail.com, RAJPANDEN@gmail.com। कब आ रहे हो साइकिल बाबा आयरलैंड, कब आ रहे हो? मैं कल आयरलैंड आ जाऊंगा तापन कुमार भाई। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ जहाँ से ये फेरी चलती है, कायरियान है कुछ करके, ऐसी सिटी है यार, मुझे तो नाम भी नहीं लेना आता, तो वहाँ पे हूँ। वहाँ पे मतलब अभी वहाँ से 21 माइल पीछे हूँ, और 20 माइल पीछे हूँ, वहाँ पहुँच जाऊँगा मोस्ट पब्लिक रात को लेट नाइट तक अगर चलूँगा तो, और अगर यहीं कहीं कैंपिंग की जगह मिल गई तो यहीं सो जाऊँगा, अदरवाइज़ वहाँ पहुँच जाऊँगा और लेट नाइट वहाँ पे पहुँचूँगा। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो कल मैं बेलफास्ट है क्या, बेलफास्ट पहुँच जाऊँगा यार आयरलैंड में, तो देखते हैं। ओके बाय बाय बाय, आई एम गोइंग टू साइकिल फ्रॉम मुंबई टू द्वारका दिसंबर आफ्टर गेटिंग इंस्पायर्ड यू, थैंक यू सर जी। आप द्वारका, हाँ यार द्वारका गुजरात बहुत अच्छा है यार, बहुत प्यारा रूट है द्वारका वाला, टिल सूरत थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, उसके बाद तो बहुत प्यारा रूट है वो, अकेले अकेले मस्ती करोगे गुजरात में। आपकी इस बात, आप भी एक अब बात कर रहे हो भारत, एक मिनट, भारत में बरसात का मौसम निकल गया, अब यार मैं क्या करूं, बरसात का मौसम निकल गया तो हाँ, ये एक को बताया भी था कि हाँ पौधे तो लगाने हैं, उनकी देखभाल तो करनी पड़ेगी यार, देखभाल। एक चीज़ और है, जो उनको बड़ा होता हुआ देखे दिखाएगा ना मुझे, जो भी जीतेगा या जो भी बड़ा, मतलब प्लांट, एक दोनों वीडियो कंपेयर के, एक आज के और एक साल के बाद में, तो उसके वीडियो भी हम फेसबुक पे डाल दें, इस पे यूट्यूब पे डाल देंगे, फेसबुक पे भी डाल देंगे साइकिल बाबा वाले पेज पे, और भाई को टैग करेंगे, और जब कभी इंडिया आएंगे तो उनसे मिले भी गए, उनका धन्यवाद भी करेंगे भाई। तो हाँ सपोर्ट मी टू द माई मिशन टू ग्रीन एनवायरनमेंट। या मैंने एक वो डोनेशन वाला वो डाल मोमेंट चलाई हुई है यार, वो मोमेंट इसलिए चलाई हुई है कि अपनी जो धन्नो है ना, धन्नो में समस्या आ रही है, धन्नो का ये टूट गया था, आपको दिखा दूँ, ये टूटा हुआ है। अब मैंने इसका क्या कर रखा है, जुगाड़, मतलब सीधा नट फंसा के ना, और ये फ्रेम बैंड हो रहा है, और एक ये यहाँ से बैंड हो रही है, ये देख, ये बैंड हो रही है, ठीक है। तो अब हमें नई धन्नो लेनी पड़ेगी, और नई धन्नो के लिए क्या करना पड़ेगा कि नई धन्नो जो लेंगे उसमें रोल ऑफ करके कोई गियर सिस्टम आता है भाई, रोल ऑफ का गियर सिस्टम आता है, तो वो गियर सिस्टम लेंगे,
दिस इज अ रियल बाबा आफ्टर रामदेव. अरे मैम कोई बाबा वो बनी है यार, ये तो वैसे ही आप लोगों का प्यार है तो नाम बाबा रख दिया आप लोगों ने और मैं बोलने लग गया. तो कभी कभी हमें भी याद कर लिया. इंडिया कब आओगे? नो आइडिया यार, इंडिया कब आएंगे सर. फ़ोन पे आईडी क्या है आपकी? फ़ोन पे आईडी क्या? फ़ोन पे मेरे पास नहीं है दोस्त, मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ पेटीएम है. पेटीएम की का लिंक मेरे उसमें है डिस्क्रिप्शन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में या इन द सेंस कि मेरे चैनल पे जाओगे. और दूसरा ये मुहिम चलाई हुई है हमने. हैंडसम लग रहे हो आप. इंडिया वाले मिस कर रहे हैं पाजी. व्हाट्सअप स्टेटस? ओ बिल्कुल भाई, आप लोगों का प्यार ही है यार जो खींच के. राकेश चौहान ने ये 29 रुपीज़ हमें दिए हैं. थैंक यू. 29 रुपीज़ के नाम का पौधा लगा दिया उन्होंने. ग्रेट यार. सही में मतलब 29. और विल्स फॉर ग्रीन ने काम करना भी शुरू कर दिया यार. मैं जो चीज़ बताना भूल गया था आपको, यमुनानगर से लव यू. विल्स फॉर ग्रीन ने सीट बॉल बनानी तैयार कर दी है अगले महीने तक. हाँ भाई ठीक, ठंड बहुत है, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर है. नोजी लाल नहीं हो रही, जमा बंदर वर्गी हो रही है. बंदर की लाल होती है क्या यार? आज किस शहर में हैं आप? अभिषेक यादव, थैंक्स ब्रो, थैंक्स लॉट अभिषेक जी आपका. और क्या है कि किस शहर में हूँ यार, शहर का नाम है ये मेबोल करके, MAYBOLE मेबोल है. तो मैं कोशिश करूँगा कि रात तक वहाँ पहुँच जाऊँ यार, जो उस जगह पे मुझे पहुँचना है. बाकी देखता हूँ, क्योंकि मुझे आप साथ, आप लोगों के साथ, एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं पीछे वाली सिटी में रुकूँगा, पर हुआ क्या कि पीछे वाली सिटी में गुरुघर था एक, पर वो गुरुघर को उन्होंने तोड़ा हुआ था, कंस्ट्रक्शन कर रखा था. बाबा आपसे कॉन्टेक्ट कैसे होगा आयरलैंड में? मुझे मिलना है ज़रूर आपसे सिटी में आकर. कॉर्क सिटी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. यार देखो मैं आयरलैंड में ना सिर्फ़ और सिर्फ डबलिन जाऊंगा भाई. कॉर्क सिटी कहाँ है मुझे ज़्यादा सा आइडिया नहीं है. मैं पहले नॉर्दर्न में जा रहा हूँ, नॉर्दर्न से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में घुसूंगा. तो नॉर्दर्न से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में भी शायद मुझे पंगा पड़े, क्योंकि मेरे पास आयरलैंड का वीज़ा नहीं है, पर दोनों में चलता है तो मैं शायद चला जाऊंगा. और डबलिन में मैं एक यूट्यूबर से मिलने जा रहा हूं, उसी के यहां डेरा डालूंगा जाके. समझ तो गए होगे किससे मिलने जा रहा हूं. बता दो भाइयों आपकी साइकिल कौन सी कंपनी की है? अभी जब वो जो मेरी साइकिल है ये सुरली की है भाई, जो हमने फेसबुक पे मुहिम चलाई है नई डोनेशन की, वो साइकिल हमारी किस चीज़ की होने वाली है? वो साइकिल में, साइकिल तो हम सुरली की ही लेंगे, कोशिश करेंगे, पर उसमें जो हब होगा ना, जो गियर सिस्टम होगा, महेंद्र जोशी थैंक यू सर जी आपका, जो गियर सिस्टम होगा ना, तो वो गियर सिस्टम कैसा होगा कि उसका जो जो मतलब ताड़ियाँ होती है ना, वो अंदर की साइड में होगी, हब के अंदर ही, तो जिससे कि मतलब हमें दिक्कत नहीं होगी आने वाले टाइम में. क्योंकि आगे जब हम अफ्रीका में घुसेंगे ना, तो वहाँ की अफ्रीका की लाल मिट्टी होती है और वो साइकिल के उसमें फंस जाती है, चैन में, और आपको हर दिन चैन साफ करनी पड़ती. तो अगर वो सिस्टम अगर मुझे मिल गया, वो सिस्टम यार 1.5 से 2 लाख का है गियर सिस्टम जो है नई साइकिल का, तो इसलिए मैंने मुहिम चलाई है. वो साइकिल मेरा टोटल मतलब बजट कर आके 5-5.5 लाख रुपये में पड़ेगी. राजदीप सरकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई. और सुरख लबों से कुछ कहना था, क्या बात है यार, कुछ लिखा सुरभ लबों से कुछ कहना था, तुम्हारी सांसों को एक बार छूना था, यमुनानगर ड्रीम्स. क्या बात है यार, बहुत बड़े शायर है भाई. गुरमीत हरियाणा से मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा भाई, गुरमीत भाई से मिलूंगा, गुरमीत भाई से मिलूंगा जाते ही, क्योंकि गुरमीत भाई वेट कर रहा है काफ़ी दिन से. मैं उसको भी सॉरी बोल रहा हूँ यार, उसको कहा तो कभी था. तो लव यू राज भाई. तो भाई एक बार और शेयर कर दो यार, मैं वेट कर रहा हूँ. आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए पूरा उतावला हूँ. मैं एक सेकंड के लिए भाग रहा हूँ, जब तक आप शेयर करो भाई साहब सबको. जोगिंदर बांगड़ थैंक यू भाई, और सबको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सिल्वर बटन थैंक यू भाई, और सब शेयर करो. तब तक मैं एक मिनट पावर बैंक लगा दूँ यार इसका, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, तब मैं बात कौन कर पाएंगे हम. तो एक मिनट मुझे दो, तब तक आप ये शेयर वाला लिंक लेके ना और सबको दबा दो. ठीक ठीक ठीक. या गाइस सॉरी सॉरी यार, मैं ना पावर बैंक निकाल के लाया था साइकिल में से, इसका ना थोड़ा सा वो हो गया था, क्या कहते हैं इसको, पावर बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी यार साइकिल इसकी,
तो उसको चार्ज करना ज़रूरी था, ये बंद हो जाता तो फिर मुझे कहते भैया क्या किया ये। हैं हाँ अब बोलो भाई। कोई ठुकरा दे चाहत को हंसकर, सह लेना मोहब्बत की तबीयत से। यार क्या बात है, बड़े बड़े शायर बैठे हैं यार मेरे भाई। तो इंटरनेट कैसा चल रहा है बाबा? इंटरनेट मस्त चल रहा है भाई। अभी इंटरनेट के चक्कर में तो मुझे रेलवे स्टेशन पे आके बैठा हूँ मैं, नहीं तो और कहीं बैठा होता। तो भाई भाई एक बार मेरे से मिलना पक्का भाई, चरण मेला आपसे ज़रूर मिलेंगे चरणा भाई। निखिल मेहता हरियाणा जिंदाबाद, पूरा इंडिया जिंदाबाद, पूरी दुनिया जिंदाबाद यार। राकेश गौतम जी प्लांटेशन के लिए 29 रुपये, क्या बात है। अच्छा विशाल सेन, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं भाई? तो भाई पर्सन उत्तर चलने दो, अब जो भी भाई पर्सन करेगा मैं पर्सनों के जवाब दूंगा। चलो मैं इसी बहाने से ना आपको कंट्रीज़ के, बाबा जी दिल जिगर फफदा है, पता नहीं क्या बोल रहे। तो मैं तो इतना सरल हूँ कि सब समझ आ जाता है तुझे छोड़ कर पढ़ना। तो मेरा अब मैं 46th कंट्री में हूँ, स्कॉटलैंड में, और कल मैं वापस यूके में घुस के और आयरलैंड घुस जाऊँगा 47th कंट्री में। 47th कंट्री का मतलब है कि बहुत हो गया यार, 49,000 किलोमीटर भी होगी है। देखो अभी 50 कंट्री हो जाएगी, बल्ले बल्ले जल्दी हो जाएगी। झड्डा लगा यार, झड्डे के चक्कर, सर्दी लग रही है सर्दी के चक्कर में। मतलब काफ़ी लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती होगी ना, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ हरियाणवी मिक्स करता हूँ मेरी भाषाओं में, तो बहुत सारों को समझ नहीं आती। पर क्या करूं यार, जैसे भी है तो वैसा ही हूं मैं। तो भाई हमारे गांव में कब आओगे? बिल्कुल कभी बुला ले भाई, जब भी डिग्री। नेक्स्ट 15 दिन आप कौन सी जगह पर हो? नेक्स्ट 15 दिन में से 10 दिन तो मैं मोस्ट प्रोबली इन आयरलैंड रहूँगा, उसके बाद में वापस यूके में आ जाऊँगा। यूके में मैं लिवरपूल आऊँगा, लिवरपूल से कहाँ जाऊँगा यार, लिवरपूल से बर्मिंगम, बर्मिंगम से बर्मिंगम से कहाँ जाऊँगा, लंदन जाऊँगा शायद। तो 50 कंट्री पर सेलिब्रेशन करेंगे सेलिब्रेशन तो हम तो हर दिन सेलिब्रेट करते हैं मेरे भाई। तो सेलिब्रेशन की तो कोई भाई, स्कॉटलैंड यूके में ही है या यूके में ही है, बट क्या है कि स्कॉटलैंड वाले कहते हैं कि हमारा अपना देश है। स्कॉटलैंड की अपनी अलग करेंसी भी है भाई, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो टोटली यूके में है। तो वो अभी कोशिश कर रहा है, तड़फड़ा रहा है कि मैं अलग देश, मेरा मतलब अलग मैं वो कर लूं, पर पता नहीं बेचारों को मिलेगी कि नहीं। तो भाई वापस जयपुर आओ सर, इंडिया आएंगे तो ज़रूर आएंगे भाई। भाई क्या लिखा इसे MBBS वाला के, भाई आई एम MBBS स्टूडेंट इन इंडिया प्लानिंग टू मूव UK, हाउ इज़ लाइफ इन ऑफ डॉक्टर्स इन UK? इट्स अमेजिंग यार। अगर आप देखो, आप एग्ज़ाम क्लियर करके ना एज ए डॉक्टर UK में आते हो और UK में जॉब करते हो तो बहुत अच्छा है भाई। मतलब क्या है कि इंडिया की तरह आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, 5 डे वीक काम करना पड़ेगा, अच्छी खासी पे है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि फालतू की बसड़ नहीं है किसी भी तरह की, आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजारने का वाला चीज़ है। और भैया आप पूरा साइकिल से ट्रैवल करते हो क्या? कोशिश तो यही रहती है दोस्त। आपने जर्नी कब स्टार्ट की थी? जर्नी स्टार्ट की थी 2016 में, मेरे को 38 महीने हो गए हैं ऑफिशियली भैया। पाकिस्तान क्या जिंदाबाद, आई एम जो भाई, हम कब कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है, सबके देश जिंदाबाद है। हम तो हमारे वो क्या बोलते हैं, कौन सा था वो, सनी देओल वाली बात करते हैं भाई, आपका अपना जिंदाबाद हमारा अपना जिंदाबाद, ठीक है? तो इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कौन जिंदाबाद कौन मुर्दाबाद? आपके दिल में जगह होनी चाहिए किसी के लिए, इंसानियत होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो आपके दिल में सबसे बड़ी जगह। इंग्लैंड के बाद क्या प्लान है? हाँ ये क्वेश्चन अच्छा किया भाई ने। तो इंग्लैंड के बाद में प्लान मेरा ये है कि मैं इंग्लैंड रहूँगा फैब तक, फैब के बाद में मैं यूके इसमें यूरोप में इंटर कर जाऊँगा दोबारा से, और यूरोप में जाके पहले मेरे यूरोप के 15 कंट्री रहते हैं शायद वो कंप्लीट करके, और स्पेन जाके स्पेन से मोरक्को, मोरक्को से अफ्रीका इंटर कर जाऊंगा। तो फिर अगले 2-3 साल तक आपको सिर्फ अफ्रीका ही अफ्रीका देखने का मिलेगा। तो उसके लिए तो सब लोगों को याद है ना भाई, जो मेरा सिल्वर प्ले बटन के लिए जो आज हमने प्रोग्राम, ये वीडियो लाइव करने का मेरा मकसद ये था कि सिल्वर प्ले बटन के बारे में आप लोगों से बात कर लूँ। तो सिल्वर प्ले बटन आ रहा है, आ गया है हमारे पास में, मतलब मेरे पास तो आना क्या है पर मेरे गाँव में आ चुका है। तो
भाई स्पॉन्सर नहीं मिला कोई भी अभी तक तो, बट अभी मैंने क्या है कि फेसबुक पे डोनेशन का बटन स्टार्ट किया है, तो आप लोग सब लोग डोनेट कर रहे हैं जैसा भी जिसका भी बनता है, क्योंकि वो मुझे सिर्फ साइकिल के लिए डोनेशन चाहिए थी, नई साइकिल लेनी है, नई धन्नो आएगी। तो फिर क्या बोल रहा था यार, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, स्पेन से मोरक्को, मोरक्को से अफ्रीका, अफ्रीका में रहेंगे 3 साल। नेक्स्ट क्या था? हाँ, क्या था सर, आप नॉर्वे का पहुँचेंगे मुझे आपके साथ? नॉर्वे यार एक्चुअली क्या हुआ, मैं फिनलैंड से वापस आना पड़ा था, मेरा वीज़ा 3 महीने का था, तो 3 महीने में मुझे वापस आना पड़ा था। मैं फिनलैंड से फेरी पकड़ के यूके आया था, तो नॉर्वे बिल्कुल पास में से आ गया हूँ, पर दोबारा जा रहा हूँ भाई। इंग्लैंड कैसा है सर? बिल्कुल मस्त है यार, सच्ची बताऊँ तो मतलब सबसे अच्छी चीज़ मुझे इंग्लैंड की जो लगी है वो क्लाइमेट, क्लाइमेट तो नहीं कह सकते, यहाँ का नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, यहाँ के लैंडस्केप बहुत अच्छे हैं यार, लोग भी इतने माड़े नहीं हैं, बुरे नहीं हैं। मतलब अफ्रीका टूर कब से शुरू हो जाएगा? तो नेक्स्ट 6 मंथ लगा के चलो, 6 मंथ में अफ्रीका में घुस जाऊँगा भाई। भाई तुमको देख कर रोना आ रहा है। अरे भाई भाई रो क्यों रहा है भाई, तुमको देखकर रोना आ रहा है, बहुत दूर हो तुम। अरे यार रोने की क्या बात है, तुम्हारा भाई मस्त है यार, ये तो गलत बात है। हाउस यू मेक मनी टू ट्रैवल? यार देखो ट्रैवल के दौरान मेक मनी का फंडा है, तो भैया मैं तो पैसे कमाने के लिए ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों के सहारे ही ट्रैवल कर रहा हूँ। और कोई लोग यूँ कहते हैं ना कि फलानी वेबसाइट पे जाके आप वो पैसा कमा सकते हो, या वॉलंटरी काम करके कर सकते हो, वॉलंटरी काम करके ट्रैवल कर सकते हो, तो आई एम नॉट एग्री विद दैट। एक्चुअली आप वॉलंटरी काम करोगे, एक हफ्ता 10 दिन उसके पास में रह लोगे तो, पर कितना कर लोगे, क्या देगा वो आपको? कुछ नहीं देगा आपको, 6 घंटे 8 घंटे काम करवाएगा और आपको रहने की जगह दे देगा, और आपके हॉस्टल में जो खाना होता है वो दे देगा। तो ये तो आजकल एक यूरोप में खासकर ये चीज़ चली हुई है कि आप यूरोप में कहीं भी जाओगे तो वो वॉलंटरी आप काम कर सकते हो, उनको फ्री में लेबर मिल जाती है, उनको कुछ नहीं है, 2 रोटियां ही तो देनी होती है यार। अब कोई मेरे घर में आके यूँ कहे कि मैं वॉलंटरी, मेरे को पास में मतलब इंडिया में आके कि मैं आपके यहाँ काम करता रहूँगा, तो मैं भी दे दूँगा उसको वॉलंटरी काम, मेरे घर पे काम करेगा 8 घंटे, तो मेरे को क्या दिक्कत है भाई। यार यू आर काउंटिंग द कंट्री एंड देयर सिटी आई विल लाइक भुना मोची चुबारा डानी सांचला और डुलट। यार एक्चुअली वही है ना भाई, आजा भाई खासा डानी सनियाना उकलाना, मतलब जैसे हमारे गाँव के नाम है ना, तो और बाकी तो वो एक हमारा क्या बोलते हैं, एक मेरा दोस्त है वो कंडक्टर है हरियाणा रोडवेज में, तो वो बोलता है खासा डानी सनियाना उकलाना उकलाना उकलाना, तो ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलिपिन, ताइवान, जापान, कोरिया, हांगकॉन्ग, मकाऊ, इतना तो मेरे एक लाइन में रटा हुआ है, इससे आगे बोला नहीं जाता। या वो है कि धीरे धीरे, राम राम जी, सदलपुरिया, रोहतास जी आपका धन्यवाद चाय का। सर आप नॉर्वे, यू आर डिस्टर्बिंग, सॉरी यू आर डिस्टर्बिंग विद माय टॉक, नो यू आर ऑलराइट, ओके ओके थैंक यू, एक्चुअली आई एम ऑन लाइव सेशन ऑन यूट्यूब, सो देयर इज अ वन ब्यूटीफुल लेडी एंड एवरीवन इज मोर देन 5000 पीपल्स वाचिंग यू, ऑलराइट, हेलो। सो गाइस वो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं उसके कैबिन में बैठा था, तो वो मैंने पूछा कि भैया आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, तो ठीक है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे। तो अरे यार भाई मैं बताऊँ, इंग्लैंड तो बहुत महंगा है यार, आज तक मैंने ना पूरा इंग्लैंड का ट्रैवल के दौरान अभी तक ना रूम नहीं लिया। आज मैं सोच रहा था कि रात को मैं एक रूम लूँगा, तो रूम का मतलब मैंने सर्च किया तो मिनिमम 50 पाउंड से रूम शुरू होते हैं, वो भी मतलब हॉस्टल के, वो नहीं होटल वाले, तो 50 पाउंड का मतलब है सीधा सा कि 5000 रुपये में। तो बाबा राजन चाचा मस्त है यार, तो बहुत अच्छा लगता है आप इतने सारे रहे। तो भाई बताओ यार कुछ खास चीज़ें जो आप लोगों को
पर्सन पूछो यार, मेरे को तो पर्सनों में मजा आता है। देख जो भी पूछते हैं ना, मैं बताने में मजा आता है। युगांडा में मेरे भाई से मिलना और कुछ दिन उनके पास, भाई बिल्कुल युगांडा में तो मैं भाई को तंग कर लूँगा पूरा। लाली कहाँ है? बड़ी रुकती, मतलब तुम भी ना ऐसी ऐसी जगह मतलब क्वेश्चन पूछते हो ना भाई कि लाली यार अपने घर पे होगी, मुझे क्या पता, मैं अपने रोड पे हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ उनसे एक दिन मिला था और वो ही उन्होंने वीडियो बनानी थी अब, और मुझे भी बनानी थी और थोड़ा सा घूमना था क्योंकि मैं लंदन में घूमा नहीं था प्रॉपर। और लंदन में मैं घूमा नहीं हूँ अभी, आगे आने वाले टाइम में भी घूमूंगा, अच्छे से घूमूंगा। लंदन स्पेशली बड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करने का मन है। एक रियल स्टोरी है लंदन में शहीद ऊधम सिंह की, उस स्टोरी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के मूड में हूँ मैं। तो वो डॉक्यूमेंट्री मैं लंदन में बनाऊंगा या जहाँ भी मुझे जाना पड़ेगा, जब मैं फ्री हो जाऊंगा थोड़ा सा, देन आई विल मेक दैट डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली। तो लाली जाते हुए इमोशनल होगी, कोई इमोशनल नहीं थी भाई। तो क्या हुआ कि वो हम जो ये वीडियो बनाते हैं ना, तो उसको स्लो मोशन में कर दिया था मैंने, और कुछ नहीं था। कोई इमोशन नाम की चीज़ें यहाँ कमी हैं इस देश में, हमारे लोगों को में ज़्यादा होती है। इशार याद करता है आपको? बिल्कुल भाई, इशार तो भी याद करता ही होगा भाई। आपका खर्चा कौन चला रहा है भाई? ज़मीन बेच रखी है मेरे भाई। तो थैंक यू ऋषभ सिंह भाई, स्टूडेंट हूँ। अरे भाई स्टूडेंट से सच्चे में मतलब दो यार, स्टूडेंट मत दो छोटे भाई। स्टूडेंटों की हालत मुझे पता है। पता क्या था, मैं सच्ची बात बताता हूँ, एक कॉलेज की स्टोरी बताता हूँ। कॉलेज में जब पढ़ता था ना, तो जब मेरा डिग्री में एडमिशन हुआ, तो मेरे फादर ने कहा कि जा, कॉलेज का टाइम हो गया, कॉलेज चला जा। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं जा रहा। तो बोला क्यों? मैं, आपने प्रॉमिस की थी कि मेरे को बाइक लोगे, लेके दोगे, तो ही मैं साइकिल उस पर जाऊँगा। जोगिंदर बांगर, थैंक यू यार आपका। तो पता है क्या, बोला कि क्यों? मैं बोला कि यार आप बाइक लोगे, आपने प्रॉमिस किया था कि बाइक लोगे, तो बाबू ने यामा लेके दिया। और अब यामा तो ले दिया, वहाँ पे तेल कौन डलवाए, कॉलेज में तो सब वही होते हैं। तो वैसे तो चलता रहता था भाई, कोई ले गया जिसने वो डलवा लिया, जिसने लेके गया उसने डलवा लिया। पर लास्ट में जब घर आना होता था ना मंथ के एंड में, तो एक एक रुपये वाले भुने। उस टाइम ना पेट्रोल कितना था, हाँ 25 रुपये लीटर होता था पेट्रोल। तो वो 25 रुपये इकट्ठे करके ना, ताकि दो लीटर 50 रुपये के करीब चाहिए होते थे, तो 40-50 के बीच में जितने भी होते 5-6 रुपये कम पड़ जाते थे पेट्रोल के। तो वो पेट्रोल पंप वाला उधार कर लेता था हमसे। तो भाई जब घर से वापस आएंगे तो तेरे पैसे दे देंगे, पेट्रोल भी उधार में डलवा ले आया करते थे। सांगवान भाई मस्त हैं यार। सांगवान भाई मुझे दोबारा भी मिले। मैं स्कॉटलैंड जब पहुंचा था, तो स्कॉटलैंड में से क्या था कि मुझे एक इनविटेशन आया था लंदन से कि हरियाणा डे सेलिब्रेशन हो रहा है, आप लोग वहां आइए। तो मैं वहां पे गया था भाई, तब तो सांगवान भाई से मैं दोबारा मिला। सांगवान भाई ने, और एक दिल्ली बॉयज भाई है हमारे, उसके साथ में हम उसके घर पे गए और फिर हम लंदन गए थे। उसका वीडियो मैं तो एडिट नहीं कर पाया हूँ अभी तक, पर सांगवान भाई ने डाल दिया है और दिल्ली बॉयज ने डाल दिया है भाई। तो उन दोनों के वीडियोज़ देखना। राजदीप सरकार भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाजी मेरा नाम ले लो भाई, पाजी वाला नाम, सन्नी कुमार का नाम लेता जी। हाउ वी कैन स्टार्ट ट्रैवलिंग ऑन बाइसाइकिल? कैसे भी नहीं है, घर से निकलो और स्टार्ट हो जाओ। अगले दिन शाम को सोचना कि कहाँ सोना है। अब ज़्यादा सोचोगे भाई ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, तब प्रॉब्लम आ जाती है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल की हाल चाल? अरे यार ये तो मेरी टैगलाइन बन गई है ना, हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल की हाल चाल। सही है यार, आपने आप ही बन गए, मुझे तो पता ही नहीं लगा ये टैगलाइन कब बनी है। बाबा जी कैसे हो, आपका चेहरा यार बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है, 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर है राइट नाउ। तो और बताओ, अच्छा भाई 500-600 लोग जुड़ रहे हो, एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो 600 लोग आप जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और मोस्ट प्रोबब्ली सबने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। और दूसरा क्या है कि शेयर करे हुए मत जाना, चैनल को शेयर करना अपने सब दोस्तों के साथ में जितने भी हैं, क्योंकि मुझे इस टाइम आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ऑलरेडी 3 साल से 2 महीने या 3 महीने ऊपर हो चुके हैं राइट नाउ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। तो समझ गए, शेयर कर देना यार, यहाँ से उठा के ना, और कुछ नहीं करना, मेरे चैनल का लिंक कॉपी करना और जितने भी तुम्हारे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, फेसबुक के ग्रुप हैं, उनमें शेयर कर देना। इतना तो रिक्वेस्ट है छोटे भाई, बड़े भाई मतलब बड़ा ही हूँ मैं, 90% से तो बड़ा ही मिलूँगा, तो बड़े भाई के लिए इतना तो तुम कर सकते हो। आंटी जा रही हैं, बाय बाय, बाय, उनकी ट्रेन आ गई है।
स्कर्ट ट्रेन, यहाँ की ट्रेन दिखा दूँ भाई, ट्रेन देख लो यहाँ पे ऐसी ट्रेन है। मनीष यादव थैंक यू भाई। तो आवाज़ आ रही होगी भाई, युगांडा में कपलाडा रोड पर बालाजी स्वीट्स की शॉप है भाई, मैंने 10 लोगों को शेयर कर दिया, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, वी विल डेफिनेटली सपोर्ट योर काउस, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। मेरा नाम ले लो सबके लिए, नाम तो बता दिया भाई सबके लिए, पाजी मेरा नाम ले लो, सनी ले दिया यार, कुछ और लिखो, साइकिल किधर है रे, साइकिल दिखाऊं, एक सेकंड, ये रही साइकिल, देखिए भाई इधर खड़ी है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ पे, इंडिया में कितनी याद आती है, बाय बाय, ट्रेन गई, बाय बाय बोल दूँ। टाइम क्या हुआ, टाइम बज गए होंगे यार, चार बजकर दस मिनट हो गए हैं यहाँ पे टाइम अभी। तो साइकिल के, साइकिल राइडर कपिल, अरे वाह साइकिल राइडर भी है कोई हमारे यहाँ पे, क्या बात है कपिल जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ड्रोन शूट इज़, हाँ यार ड्रोन एक्चुअली क्या होता है, सच्ची बताऊँ ना, ड्रोन मैं बड़ी मुश्किल से उड़ा पाता हूँ यार। यहाँ पे क्या है, लीगली पीछे क्या हुआ, किसी एक एयरपोर्ट में बहुत सारे ड्रोन है ना घुस गए थे यूके में, तो तब से यहाँ पे ड्रोन पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ जुगाड़ जुगुड़ लगा के शहर शहर से बाहर जाके उड़ा लेता हूँ कभी कभी, पर इतना नहीं है, तो इसलिए सॉरी यार, इंग्लैंड के वीडियोज़ में ड्रोन शूट कम ही आ रहे हैं। तो पाजी रोज स्टेटस रहते हो व्हाट्सएप पे, क्या कह रहे हो, व्हाट्सएप पे आपके चैनल के लिंक भाई, रोज स्टेटस, थैंक यू भाई। जित क्या होता है कि व्हाट्सएप पे हमारे ना ग्रुप बहुत होते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करे होते हैं, तो उनसे क्या है कि ये चीज़ें फैल सकती है, अदरवाइज़ फैलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। भाई साहब 10 को शेयर कर दी, धन्यवाद जी आपका, धन्यवाद। मैं भी नेता वर्ग की फीलिंग ले जाता हूँ कभी कभी कभी। अरे भाई आप JNV से हैं, बिल्कुल हूँ, मैं नवोदय विद्यालय स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। अरे भाई आप JNV से हैं, अरे भाई आप JNV से हैं, अरे भाई आगे भी बोले, तो मैं JNV से हूँ, इसमें कोई दुराई नहीं है, JNU से नहीं हूँ, JNV से हूँ। तो भाई स्कूल में पढ़ा हूँ, फेमस होने का मन कर रहा है, कौन सा कांड करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार गदर लिखता है तू भाई, जो भी भाई ज़्यादा बड़ा कांड मत कर दियो, बाकी ठीक है, फेमस होने के लिए कोई बड़े सी ज़रूरत नहीं है, फेम एक उम्र के बाद में आपको फेमस होने में भी मज़ा नहीं आएगा भाई, परांठे छोड़ दिए अभी भी सेवा लेते हो। अच्छा भाई मैं अभी मैंने काफ़ी कुछ चेंज कर लिया मेरी डाइट में, क्या है कि मैं अभी थोड़े से दिन प्रोटीन पे है, और यहाँ पे यूके में आने के बाद में, जब यूरोप में था मेरा वजन घट गया था, पर यूके में आने के बाद में क्या है कि यूके में हर 40-50 माइल पे आपको, माइल यहाँ पे चलते हैं तो 70-80 किलोमीटर पे आपको गुरुद्वारा मिल जाता है, गुरुद्वारा साहिब मिल जाता है। तो फिर आप वहाँ, मैं तो वहाँ रहता हूँ मोस्ट प्रोबली, क्योंकि मुझे अच्छा डील करते हैं और अच्छा सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारे सिख कम्युनिटी जो भाई है मेरे, तो बहुत सपोर्ट करते हैं यार, और मैं तो मोस्टली वहीं रहता हूँ। और मैं तो क्या बताऊँ कि गुरुघर में फिर खाया बहुत जाता है, क्या होता है कि जाते ही सब लोग बोलते हैं इंडिया से आया बंदा साइकिल पे आया है, तो उस चीज़ का मुझे मुझे नुकसान भी होता है, क्योंकि मुझे बहुत सारा खाने को दे देते हैं, फिर मेरे को खाए बगैर रहा नहीं जाता। कानपुर में आई जा समूह देखा साइकिल बाबा, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाँ भाई हाउ आई कैन हेल्प यू, तो भाई इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमने अभी वो चला रखी है एक मुहिम व्हील्स फॉर ग्रीन के नाम से, मेरी आईडी पे जाओगे, मेरी फेसबुक आईडी का नाम है RAJ Phandan PHANDEN राज फांडन, या फिर साइकिल बाबा लिखोगे तो भी शायद मैं मिल जाऊँगा, या वर्ल्ड ट्रैवलर लिखोगे तो मिल जाऊँगा। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे हमने एक मुहिम चला रखी है इस नई धनों लेने के लिए, तो वहाँ पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और तो ज़्यादा से यार मेरे को फॉर्मेलिटीज़ बातें करनी नहीं आती, मैं तो जो बंदा हूँ शरीफ सा हूँ। कंधारी अफगान, अरे वाह जी वाह कंधारी अफगान। अच्छा भाई नेक्स्ट वीडियो जिस भाई ने अभी ना ये डोनेशन दिए कंधारी अफगान, इसकी आने वाली है नेक्स्ट वीडियो, और आई रियली अप्रिशिएट दैट गाय यार, ही इज़ फ्रॉम अफगानिस्तान एंड आई स्टे देयर फॉर थ्री और फोर डेज एंड इवन आई सेलिब्रेट माई दिवाली विद दैट गाय, इज अमेजिंग, आई रियली लव यू नबी। एक चीज़ याद रखना प्राइवेट नौकरी मिथुन चक्रवर्ती की बहन जैसी है। भाई हमने नौकरी करनी छोड़ दिया, हमें टेंशन नहीं है।
इंडिया में बहुत बुरा हाल है यार, कंप्लीट। भाई आपका वर्ल्ड टूर कब कंप्लीट होगा? मेरा वर्ल्ड टूर मोस्ट प्रोबली 27-28 तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बाकी रब रखा यार, जब हो जाएगा, मैं सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी मुझे उम्मीद है कि 2023 तक मैं मेरा मतलब पूरा अफ्रीका हो जाना चाहिए, अफ्रीका या उसके आसपास के। धन्नों पर वीडियो बनाओ, राम राम रोहतास। हाँ यार, धन्नों पे ना मैं प्रॉमिस करता हूँ, धन्नों पे मैं वीडियो बनाऊँगा, किसके साथ में, अपना गुरमीत हरियाणा के साथ में मिलके एक धन्नों पे वीडियो बनाऊँगा, जो प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। और ये भाई ने मुझे, एक भाई थे जिन्होंने अभी कुछ दान दक्षिणा दी है यहाँ पर, कुमार धीरेन्द्रा सर ने, थैंक यू सर, आपका थैंक्स लोट। तो भाई धन्नों को भी दिखा दो यार, लाइव में कहाँ पर दिखते हो, ले भाई देख ले, लाइव देख ले, ये खड़ी धन्नो देखो पीछे सामने। हाय साइकिल बाबा, व्हाट्स योर वेट यू आर कैरिंग ऑन योर बाइसाइकिल? इट्स मोर देन 40 किलो, इट्स आई थिंक इट्स मोर देन 40 किलो विदाउट वाटर, तो पानी के साथ में तो वो 50 किलो भी हो जाता है। सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम साहब, राम राम साहब। भैया मेरा नाम ले लो, राजीव दिल्ली, बिल्कुल ले दिया भाई। व्हेन इज़ योर बर्थडे? इज़ इट इन जुलाई? नो, इट्स इन, मेरा जन्मदिन है भाई शहीदी दिवस के दिन, 23 मार्च को, तो 23 मार्च एक खास दिन रहता है, मतलब समझ गए होगे सब, काफ़ी लोगों को पता है क्या है वो, बताओ भाई, मैसेज करके बता दो। धन्नों को कैसे ले जाते हो? धन्नों को कैसे ले जाते हो, समझा नहीं। अरे भाई दूसरे स्पोर्ट गेमर, थैंक यू सर। धन्नों को दूसरे देश में एक रोड से मैं इंटर करता हूँ मैक्सिमम, तो रोड से में दिक्कत नहीं होती। सर आप ट्रैवलिंग टाइम को में चार्जिंग कैसे करते हो? तो किसी ने पूछा कि ट्रैवलिंग टाइम में चार्जिंग कैसे करते हो, ये मेरा पावर बैंक है सोनी का 15,000 mAh का, ये 3 साल पहले मैंने लिया था और मैं इसी से ही लग रहा, इसी से ही मतलब यूज़ कर रहा हूँ, सोनी का लिया था, और अभी देखता हूँ ये कब तक चलेगा। अभी यार नए चार्जर आ गए हैं, क्योंकि ये चार्जिंग होने में बहुत टाइम लेता है, तो कोई नहीं, अब नया चार्जर भी लेंगे, कोई नहीं। तो भाई सिरसा आए हो कभी? बिल्कुल भाई, मैं भुन्ना का हूँ तो मुझे सिरसा जाने में कोई सी ज़्यादा दूर लगेगी, बहुत बार आए हैं, बहुत बार गए हैं। अब्दुल और मेरा भी नाम ले दो भाई, ले दिया भाई। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को मेरा, अरे वाह यार कोचिंग, भाई सब बच्चों को मेरा प्रणाम, प्यार देना भाई, बाकी तो कुछ दो ना दो, और एक एक पौधा ज़रूर लगवा देना। तो हाँ यार, बात कर रहे थे हम गिव अवे की, गिव अवे मतलब वो नाम ही गिव अवे है, बाकी गिव अवे नहीं है। जो हमारा 1,000-1,00,000 पे जो सिल्वर प्ले बटन आता है वो आ गया है, बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि अपना सिल्वर प्ले बटन आ गया है, इंडिया में है इस टाइम, वो घर पे मेरे पहुंच गया है, पर घर पे नहीं है मतलब गुड़गांव में पहुँच गया। तो हम उसको गिव अवे कर रहे हैं, जो भी भाई प्लांटेशन का ज़्यादा कैंप लगा के ना और मुझे वीडियो टैग करेगा फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसका वीडियो देखूंगा और वो वीडियो हम बाद में शेयर भी करेंगे जहां भी हम शेयर कर सकते हैं। और जिस भाई ने सबसे ज़्यादा प्लांट लगा के वीडियो भेजेगा मुझे, उसका वीडियो मैं अपने यूट्यूब पे डालूंगा और उसको अपना जो प्ले सिल्वर प्ले बटन है उसके घर पे मैं कोरियर करवा दूंगा भाई। तो मेरे पास तो सिर्फ यही है। श्रीकांत जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। तो मेरे पास यही एक साधन है जिससे कि मैं आप लोगों को मतलब गिव अवे, इसको गिव अवे कह लो यार, कुछ भी कह लो, तो वो देने है। और जो भी भाई चाहिए, तो सिर्फ पौधे लगाने यार, मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा, बदले में देखो हर कोई मांग रहा है, तो मैं भी मांग रहा हूँ बदले में सिर्फ कि कुछ पौधे लगा के 50, 100, 200 कितने भी कंपटीशन है आप लोगों में, जो भी जब से ज़्यादा पौधे लगा के और वीडियो बना के मुझे भेजेगा ना, मेरा जो सिल्वर प्ले बटन है उसके घर पे मैं भेजूंगा, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ भाई। और उसका वीडियो जो पौधों का लगा के वो भेजेगा, उस वीडियो को भी हम अपने यूट्यूब पर डालेंगे आने वाले टाइम में। तो अब कैसे करते हो आप लोग, कैसे नहीं करते हो वो मुझे नहीं पता यार, कोई और वो होगा तो मैं स्टोरी डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी स्टोरी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी। अच्छा इंस्टाग्राम पे जो भाई फॉलो नहीं कर रहे उनको, सत्यवान बास भाई थैंक यू आपका। क्या है कि जो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा उनको बता दूं कि साइकिल अंडर द स्कोर बाबा, @ साइकिल अंडर द स्कोर बाबा पे हम हैं। इस लाइव सेशन के बाद में हम इंस्टाग्राम पे फिर लाइव आएंगे एक बार। आपको सोच के बहुत भाई, आई एम सबोर,
भाई सब्सक्राइबर बढ़ क्यों नहीं रहे भाई, पता नहीं है यार, पिछले एक हफ्ते 10 दिन से ना कोई भी वीडियो नहीं चल रहा, कोई भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा, या तो मेरे में वीडियो की मेरी क्वालिटी नहीं है शायद, उसकी वजह से नहीं बढ़ रहे होंगे, और अदरवाइज कोई और भी रीज़न हो सकता है। भाई GF का नाम बता दो, GF कौन होती है भाई। बाय बाय आर्टिस्ट, थैंक यू यार, थैंक यू, बाय बाय। राम राम डानी सांचला से, अरे वाह जी, मेरे गांव के लोग भी मुझे देखते हैं, कमाल है। मेरे गांव के सभी को प्रणाम भाई, और सभी बुजुर्गों को मेरी हेलो नमस्ते ज़रूर बोल देना छोटे भाइयों, और गांव के लोगों को तो मैं सर आँखों पर रखता हूँ। बाबा मेरा नाम ले लो, नाम ले लूँ भाई, इस भाई का नाम ले लो भाई, रही प्रमोद सिंह राठौड़ साहब, आपका नाम हमने ले दिया है। अब हमारे अच्छा भाई अंग्रेजी को वीडियो में डालो ना, अंग्रेजी में वीडियो डालो ना। भाई देखो साफ सी बात, साफ कहो, सुखी रहो, हमें अंग्रेजी आती नहीं है, ठीक है, हम अंग्रेजी की टांग सी तोड़ देते हैं, और ख़ासकर हरियाणा वाले। तो भाई क्या होता है कि हमारा जो मदर टंग होती है ना, वो बड़ी लाउडली होती है, तो उसकी वजह से हम उस लेवल पे नहीं जा पाते यार, वो बोल नहीं पाते, मतलब मैं तो नहीं बोल पाता हूँ, मेरी तो इंग्लिश वाली मैडम भी तान मार के मर गई थी, इंग्लिश वाली मैडम भी पूरा कोशिश करके मर गई थी, रेणु मैडम आज भी पूछ सकते हो, शायद वो लाइव भी देख रहे होंगे, तो आप उनसे आज भी पूछ सकते हो कि भाई राज को कभी थ्रस्टी करो याद हुआ था, तो वो कहेगी अरे पागल है वो लड़के ने, तो ज़िंदगी में कभी थ्रस्टी करो याद नहीं कर सकता वो, तो मतलब ऐसी बात थी। भाई ऐसे ही कभी कभी ऑनलाइन आया करो, और वो देखकर अच्छा लगता है। हाँ भाई, अब हमने एक नया काम शुरू किया है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये बात भी मैं शेयर करने वाला था। एवरी मंडे, एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे तीन वीडियोस मैं डालूंगा अब यूट्यूब चैनल पे हमारे पे, और तीन वीडियो और साथ में संडे को लाइव, ये चार काम अब हम हफ्ते में करेंगे, चाहे 2 मिनट की वीडियो डालूं, 5 मिनट की डालूं, 10 मिनट की डालूं, एडिटिंग की डालूं, विदाउट एडिटिंग की डालूं, पर एक वीडियो ज़रूर डालूंगा इन चार तीन दिनों में, क्योंकि यार अगर आप पता नहीं है, यू नीड टू मीट, सुखदेव भाई बोल रहा है ये ग्रेटा है क्या ये लड़की के से मिलने के लिए, भाई मैं क्यों, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है भाई। जाबिर वर्दले, साउथ अफ्रीका कब आओगे, मेरा नंबर है 064। भाई जुबेर भाई मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना भाई, जुबेर भाई, तो मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे। कपिल शर्मा, थैंक यू कपिल, कैसे भाई। बाबा मैं आपके साथ आना चाहता हूँ आपकी जर्नी में। प्रमोद राठौर, इट्स नॉट पॉसिबल ब्रो, मैं सच्ची बताऊँ तो मैं अपनी जर्नी अकेला ही करना चाहता हूँ। रीज़न क्या है कि तू मेरे साथ लड़ेगा, मैं तेरे साथ लड़ूंगा, तो इस लड़ाई से अच्छा है कि आप अपनी अपनी जर्नी खुद करो। और क्या कहूँ यार, असम से हूँ, थैंक यू भाई, और अगर बोर होने लग गए हो तो बता देना भाई, मैं बंद कर दूंगा भाई। साइकिल का जो सामान है उस पर वीडियो बनाऊंगा। हाँ भाई बिल्कुल, अभी मैंने प्रॉमिस किया है ना आप लोगों से, ये देखो अपनी दन्नो खड़ी है, तो हाँ भाई, तो साइकिल के सामान पे हम बनाने वाले हैं। लव यू ब्रदर, लव यू ऑल भाई, तो बोर हो रहे हो तो बता दो भाई, रख दूंगा मैं तो, मेरे को तो बैठा हूँ, क्योंकि मुझे चलना भी, अभी मुझे 10 से 15 माइल राइड और करनी है, मतलब 20-25 किलोमीटर रोड चलनी है, और यहाँ पे अभी क्या हुआ है, टाइम 4:30 होने वाले हैं, और यहाँ पे 4:30 बजे ही अंधेरा हो चुका है लगभग, मतलब अगले आधे घंटे में तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। टाइम पीरियड भी तो रखिया करो, कब तक पेड़ लगाने, 20 दिन का टाइम दे दिया भाई, 20 दिन का, 20 दिन नेक्स्ट 20 डेज में, आज तारीख हो गई है, कितनी तारीख है यार आज बताना भाई, तारीख कितनी आज है, मैं तो तारीख भी भूल गया हूँ, 14th नवंबर कितनी है यार तारीख बताइए भाई, 13, हाँ 13 है, तो हम 30 तारीख को कर लें, एक दिसंबर को, टिल 1 दिसंबर तक जो भी भाई भेजेगा ना, 1 दिसंबर तक का टाइम है, जो भी भाई भेजेगा ना उन्हीं के वीडियो वैलिड होंगे, उसके बाद वालों के नहीं करेंगे भाई। राम राम भाई, मैं गुड़गांव से हूँ और आर्मेनिया में रहती हूँ फैमिली के साथ, जो पिछली साल आए थे यहाँ तभी आए थे, खुश रहो भाई। थैंक यू बहन जी, पिछली साल मैं आपके पास भी आया था शायद, आपके घर पे, आर्मेनिया में आपके घर आया था, थैंक यू आपका, आपकी चाय रोटी के लिए जो भी आपने हमें पेश की थी। भाई मेरा भी नाम ले लो, मनोज भाई का नाम ले दिया भाई। एक चीज़ बताई यार भाई, आपने धन्नो कितने की ली थी भाई, उस टाइम तो ली थी यार लाख सवा लाख रुपए की आई थी धन्नो उस टाइम, बट अभी नई लेनी है भाई, नई के लिए
सर्दी हो गई यार। रुको 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 रुको। हाँ हाँ अब बोलो यार भाई। ड्रोन कैरी में प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई। एक्चुअली क्या है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम कम आती है ड्रोन कैरिंग में, क्या कि मेरा सामान चेक नहीं होता मोस्टली। मैं क्योंकि साइकिल से ट्रैवल करता हूँ तो कभी सुजाता, थैंक यू सुजाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। त्रिपुरा का नाम ले लो एक बार। अरे त्रिपुरा का तो, त्रिपुरा में मेरे खास यार हैं, वहाँ के एक DSP हैं भाई, जो मुझे बांग्लादेश बॉर्डर से लेके आए थे, मेरे सुरेश भाई, कई भाई हैं वहाँ पे त्रिपुरा में, नवोदियन भाई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था भाई। तो राजप्रण थैंक यू सर जी, थैंक यू जैन साहब, जैन यात्री भाई, धन्यवाद आपका। आई लव यू भाई, लव यू टू ग्रो एवरी वन। बहुत प्यार देते हो यार, इसी प्यार के भूखे में तो मैं मर गया। हमारे कब जाओ बनाओगे गुरमीत भाई के साथ में? 2-3 वीडियो बनाएंगे, 2-3 दिन उसके घर पे रहेंगे, उसकी पूरी वाट लगाएंगे हम, चिंता मत करो। 2-3 वीडियो बनाऊंगा गुरमीत के पास में, मोस्ट प्रॉब्ली मैं गुरमीत के पास में 3 दिन में पहुँच जाऊँगा यार, और अगले हफ्ते तक वीडियो आ जाएंगे जितने भी होंगे, तो फिर अच्छे से वीडियो बनाएंगे उनके साथ में, और उन्हीं के घर पे बैठ के मैं अपनी साइकिल का वीडियो भी बनाऊंगा, जो साइकिल पे सामान मैं कैरी कर रहा हूं। तो आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? आप लोग स्पॉन्सर कर रहे हो भाई, आप लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से मैं ट्रैवल कर पा रहा हूं। तो ऐसा ही प्यार बनाए रखना ना भाई, मुझे तो ABC नहीं पता था, GoPro ही। सपन पटेल बोल रहे हैं GoPro ले लो सर, GoPro ही है भाई मेरे पास में, और कोई दूसरा कैमरा नहीं है। दूसरा मेरे पास DSLR है, वो मैं यूज़ नहीं करता वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वो मैं सिर्फ फोटोग्राफी के लिए वीडियो वो बनाता हूँ। और देखना कल गुरुपर्व था ना, तो मैंने इंस्टाग्राम पे ना फोटो डाले हैं गुरुपर्व पे, जो मैं क्लिक करता हूँ, पहली बार मैंने मेरे DSLR के फोटो इंस्टाग्राम पे डाले हैं। बताना यार कैसे लगे जो इंस्टाग्राम वाले फोटो हैं, सही में मतलब मैंने दिल से फोटो खींचे थे वहाँ पे। जो हमारे शेख भाई थे ना, वो प्रोग्राम कर रहे थे, तो बच्चे प्रोग्राम कर रहे थे, तो उनके फ़ोटो हैं, देखना गच मज़ा आएगा अगर आप फोटो पसंद करते हो तो। वो DSLR के फ़ोटो हैं विदाउट एनी एडिटिंग। तो भाई USA कब आओगे? हाँ USA वालों से बात करते हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू। तेज भाई, मली भाई, मली भाई, मली भाई, USA आने चो हने टाइम लगेगा वीरे, टाइम कितना लगेगा? मैंने लगता है मैंने 2-4-5 साल लग जाऊंगे, पर आवांगा जरूर USA। एक्चुअली USA इज़ नॉट माय प्रेफरेंस लिस्ट, वो मतलब वो बात से करने का मतलब मूड है आराम नाल बुढ़ापे से। अरे राजन सर, राजन सर आगे क्या हमारे यहाँ भी आना? चाचा चाचा आपके यहाँ तो आएंगे हम, चाचा तो मस्त हैं भाई। अरे चाचा भाई देखो, मतलब राजन सर को तो सब जानते होंगे ना, राजन सिंह के नाम से YouTube पे चैनल है चाचा जी का, और चाचा जी से मुझे बहुत प्यार है, जब भी बात होती है ना तो दिल गदगद हो जाता है। निश M, थैंक यू निश, और गदगद हो जाता है, और वो चाचा जी का बात करने का जो लहजा है ना, स्वाद सा कहते हैं हमारे हरियाणा वाले, स्वाद सा कहते हैं, स्वाद सा जाता है। तो अरे भाई हमारा भी नाम ले लो, हम राजस्थान से हैं। कालू राम भाई तेरा दो बार राम राम भाई, हमारा भी नाम ले लो यार, नाम तो मैं सबका ही नाम ले रहा हूँ भाई। प्रकाश, थैंक यू प्रकाश भाई, महीने पहले लगाए प्लांट भेज सकते हैं क्या? निखिल मेहता भाई, महीने पहले लगाए प्लांट का आप मुझे क्या पता है, आप देखो सच्चाई जो है वो आपके हाथ में है, ठीक है? आप प्लांट लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? मैं तो प्लांट लगाते हुए का वीडियो मंगाया भाई, बाकी दान सरदा सम्मान, प्लांट के नाम पे तो मैं दान ही मांग सकता हूँ, मैं अपने लिए कुछ पैसा नहीं मांगूंगा, पर अगर कोई पौधा लगा के मुझे दान देना चाहता है ना तो वो दे दो यार, मजा आएगा बाय गॉड। तुम एक पौधा लगाते हो ना तो मेरी एक दिन की उम्र बढ़ जाती है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो आप जितना पौधा लगाओगे मेरी उम्र बढ़ा दोगे। तो बहुत देर होगी यार आप लोगों से बातें करते हुए, मुझे तो पता ही नहीं लगा 50 मिनट हो गए हैं। उपेंद्र सिंह भाई, हमारा भी नाम ले दो, आयरन का, आर्यन का, आर्यन भाई कैसा है? आर्यन पुत्र भाई, हाउ मच यू अर्न भाई? ये पोर्शन अच्छा पूछा सरोहा साहब ने। सरोहा भाई, मैंने अब तक यूट्यूब से मेरे पास में कितना पैसा आया है,
एक महीने मुझे $300 आया था, दो महीने मुझे $200 आए थे, एक महीने मुझे $140 आए थे, पिछले महीने शायद मेरे थोड़े पैसे ज़्यादा आएंगे, पिछले महीने मेरे दो चार एक दो वीडियो थोड़े से चले थे। आप लोगों ने देखा है कि मैं लगभग 210 वीडियो डाल चुका हूँ, और 210 वीडियो में भी मेरे ख्याल में दो तीन वीडियो होंगे जो 300,000 क्रॉस करके गए होंगे, अदरवाइज मेरे वीडियो चलते नहीं है, कोई देखना पसंद नहीं करता, पर मैं मुझे डालने में मज़ा आने लग गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो चलता रहेगा, मैं तो वीडियो डालता रहूँगा, मैं तो निठल्ला हूँ, मुझे कोई वो नहीं फ़र्क पड़ता, कम से कम यादें तो रहेंगी, तो इन यादों के सहारे हम आप लोगों से जुड़ते जाएंगे, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। मतलब क्या होता है कि यूट्यूब में अगर आपको सर्वाइव करना है तो ना आपके अंदर मतलब वो होना चाहिए कि भाई हाँ स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप धीरे धीरे डालते रहो, कभी तो कोई देखेगा ही यार, अगर आप सही डाल रहे हो, आप में कमी नहीं है, और आप मतलब कमी भी हो, आप गलत नहीं होना, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो सत्य क्या नाम है आपका भाई, सत्या ब्राता देश, थैंक यू ब्रो। भाई तशरीफ नहीं, दुखती चलाते कभी कभी दुखती है भाई अच्छा भाई, व्हाट्स सेफ्टी डू यू श्योर वही राइडिंग ऑन हाईवे पे। मैं देखो यूके में मैं हाईवे पे राइड नहीं कर रहा हूँ भाई, यूके में तो बहुत अच्छा सा रूट है, यहाँ पे जो कैनाल रूट्स हैं उनके थ्रू ही मैं मैक्सिमम राइड कर रहा हूँ, तो इसलिए शायद दिक्कत नहीं है। बाकी हाईवे पे सेफ्टी आप बस सिर्फ अपना वो जैकेट सी पहने रखो और लाइट आगे पीछे की ऑन करके चलाओ। यहाँ पे ट्रैफिक सेंस ठीक है यार, दार्जिलिंग का भी नाम ले लो, दार्जिलिंग वालों, अरे जी दार्जिलिंग का नाम ले दिया जी, आने वाले समय जैसे प्रोनाउंसिएशन के काम गुणवान व्यक्ति हैं। अरे यार भाई कृष्ण फ्रॉम रोहतक, आने वाले समय में कड़क वीडियो बनाते हैं भाई अरे वाह कड़क वीडियो बनाते हैं भाई। राज भाई आप बोझे भी, थैंक यू कूल 907 दे रहे हैं, थैंक यू ब्रदर, थैंक्स आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। प्लीज़ मेरा नाम ले दो, टेस्ट @desi@ हंगर, क्या बात है यार, नाम क्या लूँ तेरा भाई, नाम ही रखा नहीं तूने तो कुछ और ही रखा है। व्हाट्सअप स्टेटस फ्रॉम पाकिस्तान, ओके भाई ये अच्छा बोल लो यार, किसी का पर्सन है भाई, सर्दी ज़्यादा के हाँ राइट नाउ 0 degree के आसपास टेम्परेचर है, और मोस्ट प्रोबली क्या बोलते हैं आपको रात को -3-4 तक चला जाएगा, और मुझे यहीं सोना है, मैं कोशिश करूंगा कि इस पे या फिर अंदर कोई जगह देखूंगा वहां पे ही सोऊंगा, क्योंकि अब आप लोगों से बातें करते करते मैं लेट हो गया हूं, आगे शायद मैं जा नहीं पाऊंगा, पर जाऊंगा तो भी देखता हूं कि कैसे कितने किलोमीटर तक जाऊंगा। अगला शहर जो है वो लगभग 8 mile पे है, मतलब 13-14 kilometer पे है, और रात को अंधेरा होने के बाद में थोड़ा सा राइड करना यार, और इतनी सर्दी में तो मुश्किल हो जाता है। पेटीएम नहीं है भाई मेरे पास में, मैं पेपल है मेरा जो उसके ऊपर अकाउंट है, और हमने एक मुहिम चलाई हुई है भाई लोगों, किसके ऊपर हमने मुहिम चलाई हुई है, फेसबुक के ऊपर डोनेशन के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वो हमें नई धनों के लिए मुहिम चलाई है भाई लोगों, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिएगी वहाँ पे जैसे भी है, और स्पेशली जो US से कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया वाले तो अभी सोए पड़े होंगे, उन्होंने तो लाइव नहीं देखा, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसमें मेरी सपोर्ट कर सकते हो, तो और मैं स्टूडेंट से डोनेशन की रिक्वेस्ट नहीं करूँगा भाई, कोई भी स्टूडेंट कहीं भी रह रहा हो तो मत दो भाई, आपके खुद के खर्चे बहुत होते हैं, आप अपनी एक किताब लेके आइए उसको पढ़िए, वो अच्छा रहेगा, आप अगर स्टूडेंट है तो ठीक है। चंदन प्लम्बर, चंदन भाई US 2024 तक आ लेंगे भाई, मेरा नाम एक बार आपने साइकिल कम्युनिटी के बारे में बताया था, उसके बारे में हाँ अच्छा, वो वॉर्म शावर के नाम से एक साइकिल कम्युनिटी है भाई, वॉर्म शावर के नाम से साइकिल warmshower.com के नाम से एक वेबसाइट है, आप उस पर जाके देखोगे तो गर्म पानी का स्नान देसी तरीके में बोल रहा हूँ, उसके नाम पे जाओगे, उसमें आपने रजिस्टर्ड कर लो। हमारे इंडिया में बाहर से बहुत ज़्यादा साइकिलिस्ट आते हैं, यूरोपियन लोग जो होते हैं ना वो यूरोप से चल के इंडिया जाते हैं, इंडिया से फिर थाईलैंड जाके, ऐसा ट्रैवल बहुत सारे लोग करते हैं। हमारे लोग तो यूँ कह देते हैं कि यार अब जैसे मैंने इंडिया से लंदन गया तो बोलो इंडिया से लंदन साइकिल पे गया वो, बट यूरोपियन हज़ारों लोग ऐसे हैं जो मतलब इंडिया तक साइकिल पे आते हैं यूरोप से, और यूरोप से इंडिया से फिर वो आगे थाईलैंड तक जाते हैं, तो ये एक रूट है साइकिलिंग का जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो
ट्रैफिक में क्या फ़र्क है? ट्रैफिक में तो दिन रात का फ़र्क है यार, इंडिया और यूके के ट्रैफिक में। यहाँ पे ट्रैफिक सेंस बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक दूसरे के बीच में गैप रखा जाता है, आपको जो पैदल चलने वाले हैं उसको प्रेफरेंस मिलती है, और कोई रूल नहीं तोड़ता। रूल तोड़ता है तो मोटे वाला फाइन ठोकते हैं ये लोग। लव यू भाई, लव यू। पाकिस्तान भी जाओगे क्या भाई? कभी देखेंगे भाई, पाकिस्तान वाले बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। बाबा जी लव यू भाई, मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। अरे भाई मैं किसी फ़ैन नहीं, मेरे भाई हो तुम लोग छोटे बड़े। हाय बाबा जी, लव यू, लव यू ब्रो, लव यू। आप अलग अलग क्लाइमेट कैसे अडोप्ट कर लेते हो? बस देख ऐसे कर लेता हूँ, अभी 0 डिग्री टेम्परेचर में बैठा और आप लोगों से बातें मार रहा हूँ। 0 डिग्री, अल्टीमेटली 0 डिग्री पे हूँ यार, देख लो। और फिर भी बातों में इतना जोश आ रहा है ना, नाक देखो जैसे टिप ना, बिल्कुल ऐसी हो ही है। पर ठीक है भाई, अमरीका कब जाएंगे? मोबाइल चार्जर कैसे करते हो यार? ये मोबाइल चार्ज मैं ऐसे करता हूँ, ये मेरे पास पावर बैंक है, ऐसे ऐसे 4 पावर बैंक रखे हुए हैं मैंने। प्रमोद जानी जी आपका धन्यवाद, जानी साहब मोबाइल चार्ज कैसे करते हो यार? एक बार बता दिया भाई, एक बार मेरा नाम बोल दे भाई। गौरव भाटी जी बिल्कुल बोल दिया भाई, और बोलो भाई। भूख लगी है? भूख तो लग रही है यार। यार आज तो मैंने क्या खाया, सुबह से गुरुद्वारे में मैं वहाँ से चला था, ग्लासगो से चला था। ग्लासगो से 50 किलोमीटर बाद में एक जगह आया, वहाँ पे गुरुघर था। उस गुरुघर में लंदन तो उस गुरुघर में मुझे क्या हुआ, हाँ वहाँ जाके वो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वहाँ मैंने चाय पी के ना फिर आगे निकल गया। तो अभी यहाँ पे बैठा हूँ, अब आगे मैं कहाँ जाऊँगा आज मुझे नहीं पता। पर लंच मैंने आज नहीं किया यार। अभी फिर क्या हुआ कि मैंने रास्ते में एक वो ब्रेड, दो ब्रेड खा लिए थे, ब्रेड नहीं खाए थे यार, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, मुझे नाम भूल गया यार। सैम पी, थैंक यू सैम। लंदन ब्रिज कब जाओगे? लंदन ब्रिज ऑलरेडी आप पुराने वीडियो में जाके देखो, लंदन ब्रिज तो हमने दिखा दिया भाई। बाकी वापस जाऊंगा लंदन ब्रिज पे, एक वीडियो और भी बनाएंगे हम, एक अच्छा सा वीडियो लंदन पे बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है जो अगला वीडियो हम बनाएंगे लंदन पे वो आप लोगों को पसंद आएगा। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो गया भाई? अच्छा भाई अब टाइम हो गया बहुत, 1 घंटा हो गया आप लोगों से बातें मारते हुए। अब आप लोगों से एक काम की बात करूं, एक तो ये जो हमने सिल्वर प्ले बटन आप लोगों को देना है उसके लिए मेरे लिए मेरे भाइयों काम करना, और दूसरा 600 लोग जुड़े हुए हो आप लोग, 600 लोग अगर 10-10 लोगों के पास में भी शेयर करोगे ना तो मेरा काम चल जाएगा, थारा के में बिगड़े को नहीं का। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ट्रेन आ गई है यार, ट्रेन आ गई है। मैं कह रहा था कि मेरा काम चल जाएगा और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शायद इतना तो मेरा बनता है कि आप लोग उसको लव यू चाचू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मुझे ना मतलब पता नहीं है यार, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मैंने 300 शेयर कर दिए, मैंने 200 शेयर कर दिए। अब जब महीने के लास्ट में जब रिपोर्ट आती है ना YouTube की तरफ से, तो टोटल शेयर मिलता है लगभग कितना, ज़्यादा नहीं तो 2000 के करीब शेयर होते हैं टोटल महीने में। और भाई आप लोग कहते हैं, एक एक बंदा कह देता है मैंने 300 शेयर कर दिए, 400 शेयर कर दिया। भाई लंदन में नवोदियन मीट, नवोदियन मीट यार, नवोदय लंदन में नवोदियन भाई बड़े सुस्त से हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वो हमारी बहन है पुष्पा चौधरी, उससे मैं मिला था, और बाकी तो कोई नवोदियन मुझे मिला नहीं है वहाँ पे लंदन में। अरे ट्रेन चला लेगा, लेगा लेगा। यहाँ ना लोग जवाब देते हैं, एक अच्छी चीज़ है पता है, यूरोप में जब मैं यूरोपियन साइड में था ना, तो यूरोप के लोग ना खुश नहीं होते। जोगेंद्र बांगड़ थैंक यू भाई, डिनर कर लो भाई 40 रुपये हम डिनर को नहीं हो भाई उड़ा चल। यहाँ पे अगर इंडियन रेस्टोरेंट में आप एक बार डिनर करने के लिए जाते हो तो कम से कम 20 पाउंड आपका खर्चा है, मतलब 20 पाउंड इन द सेंस कि आपका 2000 रुपये के आसपास का खर्चा हो जाता है एक बार अगर आप डिनर करने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हो, छोटे से भी, बड़े में नहीं, बड़े की बात नहीं कर रहा मैं आपको। तो वो चलो वो तो मैं एक मजाक की बात है जो चीज़ बता रहा था। हाँ मैं क्या बता रहा था, यहाँ लोगों के बारे में बता रहा था यार, गुरु आशीर्वाद दो। अरे भाई गुरु कोई नहीं है भाई, छोटे भाई प्रमोद। तो हाँ यूरोप वाले लोग हैं ना वो खुश नहीं होते थे लोग को देख के ना, और यहाँ पे जो यूके के लोग हैं ना, आप उनको हेलो करोगे तो वो 2 बार हेलो करेंगे, आपसे बातें भी करने की कोशिश करेंगे। तो
ये अच्छी चीज़ लगी मुझे यूरोप में, इसमें यूके में, यूके के लोग मिलनसार काफ़ी हैं। राजा जी धन्यवाद आपका। गाड़ी तो खाली थी, यहाँ खाली चलती है, बस टाइम टू टाइम चलती हैं, बस वो उनको आप रोक नहीं सकते। और गाड़ियों का किराया बहुत है, क्योंकि मैं पीछे ना, मैं आपको बताया, मैं स्कॉटलैंड से मुझे वहाँ जाना था, तो भाई डाणी छतरिया से मैं मिलेंगे, अरे ब्लैक हंट जी बिल्कुल मिलेंगे। नानका तो सबको, नाने का घर तो सबको याद आता है यार, मुझे मतलब मेरा गाँव याद कम आता है, नानी का गाँव ज़्यादा याद आता है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं यहाँ पे वो कर लूँ, ट्रेन से जाऊँगा वहाँ से स्कॉटलैंड से लंदन, मेरे को वो प्रोग्राम अटेंड करने जाना था। तो मैंने देखा 150 पाउंड 200 पाउंड की टिकट यार, 150 पाउंड, 120 पाउंड से नीचे की तो टिकट ही नहीं थी, 120 पाउंड मतलब 12,000 रुपये की। और बस की टिकट यहाँ पे एक मेगा बस करके बस चलती है, अगर आप एक महीने पहले बुक कर लेते हो तो वो 1-2 पाउंड में भी हो जाती है, अदरवाइज़ वो 10-20 पाउंड में आपको मेगा बस मिल जाती है, 300-400 किलोमीटर आप आराम से जा सकते हो उसमें। ओए माउंटेन ट्रैकर से जीलियस करते हैं भाई, मैं किसी से जलता नहीं हूँ, माउंटेन ट्रैकर भाई अपनी जगह है, हम अपनी जगह, हम किसी से जलते नहीं हैं, जलने वाले तो दिन ही गए यार, अब बुढ़ापे में क्या जलेंगे, 40 साल के हो गए हैं, क्या जलना है यार, प्यार है सबका। मेरे तो सबसे बड़े भाई कहा करते थे कि अगर आपको जलना है तो खुद से जलो, दूसरे से मत जलो, खुद से जलोगे तो उतना ही तपते जाओगे और उतना ही निखरते आओगे। GPS के बारे में बताओ, GPS मैंने गार्मिन का लिया हुआ है यार, गार्मिन का GPS है, बट उसके लिए आपको हर कंट्री का मैप लेना, परचेज़ करना पड़ता है। तो पर मैं तो अभी जैसे UK में तो मैं काम चला रहा हूँ बगैर परचेज़ किए ही, वो GPS ट्रैक तो ज़रूर करता रहता है, बट मैं परचेज़ नहीं कर रहा हूँ किया मैंने यहाँ का, क्योंकि आपके पास इंटरनेट की बता देता हूँ मैं आप लोगों को, इंटरनेट UK में जैसे मैंने अनलिमिटेड डाटा लिया एक महीने का, तो एक महीने का अनलिमिटेड डाटा एक यहाँ 3 करके कंपनी है, उसका 35 सबसे सस्ती जो है वो उसका ही है, 35 पाउंड लगते हैं, लगभग 3,000 रुपये में एक महीने का डाटा मुझे मिलता है, तो वो सबसे बड़ी है। जोगिंदर बांगर थैंक यू सर जी, सैम RP थैंक यू, थैंक्स लॉट जोगिंदर बांगर सब। और बहुत देर से मैं बातें कर रहा हूँ यार आप लोगों से, 1 घंटा से भी ऊपर हो चुका है शायद मुझे बातें मारते हुए आप लोगों से, भाई बोर होने लगो तो मुझे बता देना भाइयों, और सब लोग एक बार शेयर ज़रूर कर देना भाई। भाई सराउंडिंग दिखाओ, सराउंडिंग क्या दिखाऊं भाई, अंधेरा हो चुका है सराउंडिंग में, तो ये देखो ये लाइट जल रही है और वो सामने धन्नो खड़ी है, यही सराउंडिंग है भाई। मैं स्टेशन पे बैठा हूँ, रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ यहाँ पे, इसलिए 1 घंटे से यहीं बैठा हूँ आप लोगों से बातें मार रहा हूँ। तो राम राम भाई, मैं इंडोनेशिया में उस वीडियो से जुड़ा था जब आप फेसबुक पर लाइव थे और आपकी वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छा लगा आपको, धन्यवाद विशाल राणा जी, राणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जोगिंदर बांगर का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, डिनर मेरी साइड से आज का, अरे यार धन्यवाद आपका यार, कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। सर आपका खर्चा कौन उठाता है? ये उठा रहे हैं ना भाई लोग सब, एक भाई ने डिनर करवा दिया अभी, तो ये चीज़ें चलती रहती है यार, लाइफ है। जर्नी के बीच में इंडिया कैसे आते हो? इंडिया में जर्नी के बीच में एक बार आया था भाई, मुझे यूरोप का वीज़ा टर्की से मिला नहीं था, तब मुझे इंडिया आना पड़ा था, और अगर इमरजेंसी में कभी आना पड़ सकता है तो जहाँ पे धन्नो में जब धन्नो होती है वहीं मैं धन्नो को छोड़ के आगे निकल जाता हूँ। ये भाई ने क्या लिखा है, अविनाश कुमार, वरुण वगीस तेरे से बहुत बढ़िया है। आई अंडरस्टैंड यार, वो मेरे से बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा यूट्यूबर है, आई एम नॉट अ यूट्यूबर एक्चुअली। मैं आप लोगों को बता दूं कि वरुण वगीस का बिजनेस है, यूट्यूब उसका बिजनेस है भाई, मेरा बिजनेस नहीं है, उसका वेबसाइट चलती है, उनका बिजनेस है, वो बिजनेस की तरह ये लेते हैं, और मैं तो प्यार के लिए भूखा हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, तो इसमें मुझे किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि वरुण वगीस या तेरे से बेटर है या वो मेरे से बेटर है, मैं कंपैरिजन के लायक ही नहीं हूँ, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता भाई। कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई, बिल्कुल मस्त। सर आपका वीज़ा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है भाई, हर कंट्री का मुझे वीज़ा लेना पड़ता है, बहुत सारी पंगे होते हैं वीज़ा के लिए। हाँ मैं अमरीका जाऊँगा भाई, रात कहाँ गुजारोगे? यहीं गुजारूँगा अभी थोड़ी देर में, तंबू देखता हूँ कहीं लगाने का, और फिर देखते हैं कैसे रहती है, कहीं पे देखता हूँ कोई स्पेस मिलेगा कैंपिंग का, रात को अगर बारिश है, अभी क्लाइमेट भी नहीं देखा मैं तो, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आगे 10-15 माइल आगे जाऊँगा और फिर वहाँ पे जाके रात गुजारूँगा, पर आप लोगों से बातें करते करते मुझे 1 घंटा हो गया, तो
अब मैं क्या कहूँ यार, अभी 600 लोगों को मुझे छोड़ के जाने का भी मन नहीं होता यार कि भाई एकदम मैं बाय बोल दूँ और भाग जाऊँ यहाँ से, ऐसा भी मेरा मन नहीं कर रहा। हेलो सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। अंशुल भाई कोई फैन नहीं हो, आप छोटे भाई हो भाई मेरे, तो भाइयों का प्यार है जो जिसकी वजह से मैं चल रहा हूँ। तो भाई जो भी भाई किसी भाई का यूँ मतलब मुझे कंट्रोवर्सी में डालने की कोशिश करता है, वरुण वगीस ऐसा है वैसा है, तो भाई मैं सबको मतलब अगर मेरे मन बातों से कभी किसी को लगा हो कि भाई मैं किसी से जलता हूँ या ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। और किसी को लगा है और किसी को हर्ट हुआ है तो उसके लिए भी सॉरी बोलते हैं भाई हम, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। लव यू ब्रदर, आई एम अ ब्रिटिश पाकिस्तानी। अरे वाह, ब्रिटिश पाकिस्तानी कहाँ पे हो भाई? आई लिव इन बर्मिंगम टाउन। जफर इकबाल, जफर भाई बर्मिंगम आएंगे तो आपकी चाय भी पी के जाएंगे, तो मौका देना चाय का पियेंगे आपके साथ एक कप, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर कर देना भाई। जफर भाई गुजरात कश्मीर में आपको नमस्कार। दिव्या धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल के साथ ज़्यादा वीडियो बनाया करो भाई। यार देखो नितिन, साफ सी बात, झूठा बोलूँगा नहीं, क्या है कि लोकल के साथ में ना एक तो मेरे में अंदर झिझक है थोड़ी सी, मैं लोकल के साथ में ज़्यादा सा मिलता नहीं हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है कि यार मेरे को अंग्रेज़ी नहीं आती, साफ सी बात है, मतलब उस लेवल की अंग्रेज़ी नहीं आती, तो कोई यूँ कहता है कि यार भाई ऐसा कर, तो मतलब साफ समझ गए होगे यार। तो डबलिन कब पहुँचोगे? 3 दिन में पहुँच जाऊँगा भाई, मोस्ट प्रॉब्ली 3 या 4 दिन में, संडे तक मैं पहुँच जाऊँगा भाई। संडे को मैं लाइव आता हूँ दोबारा से, इस बार लाइव हम शायद गुरमीत के चैनल पर आएंगे, तो बाकी अमरने भी आ जाएंगे, जैसे भी होगा तो बता देंगे भाई। हिंदी में बोल के बात करो भाई। ये वरुण पता नहीं है यार, किसी ने मैसेज कर दिया था ऐसे, वो मैसेज पढ़ते पढ़ते मेरे तो सामने मैसेज आता है, मैं पढ़ लेता हूँ और फिर मैं जवाब दे देता हूँ। इंग्लैंड जाके हैंडसम लग रहे हो सर्दी लग रही है, और सर्दी में ना गाल भी गलूरे ना वो लाल लाल हो जाते हैं, तो वो मेरे हो रहे हैं भाई। 0 डिग्री टेम्परेचर पर बैठा हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार, 60 मिनट से मैं वीडियो पे लगा हुआ हूँ, 70 मिनट हो गए हैं भाई। एक बात क्या लिखा इसने भाई, आपसे बात करके अच्छा लगता है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू भाई। स्टेशन पे पुलिस नहीं पकड़ती क्या? नहीं यार, कोई पुलिस नहीं पकड़ती भाई आपको, तो आप आराम से सो सकते हो कहीं पे भी, कोई चक्कर नहीं है। स्पेशली मतलब यूके में तो आप वाइल्ड कैंपिंग नहीं कर सकते, बट फिनलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में आप कहीं भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी कैंपिंग कर सकते हो, ऑफिशियली अलाउड है आपको। तो सर एक घंटा और रोहतास तुमको वीडियो बनाओ भाई, तंबू का भी वीडियो बनाओ। अरे यार तंबू का वीडियो, अब तो एक चीज़ बताओ छोटे भाई, तंबू का वीडियो कैसे बनाऊं? मतलब क्या है कि अब जैसे कैंपिंग वैम्पिंग करूंगा ना, यूँ काम बताओ उसको करूंगा और उसके अंदर घुस जाऊंगा और फिर उसको निकलूंगा, और सुबह जब निकलूंगा ना तो तंबू के ऊपर इतनी इतनी बर्फ़ जमी हुई मिलेगी, -3 या -5 तक टेम्परेचर जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना यार कैंपिंग के टाइम में। और सच्ची बताऊँ, एक और बात बताऊँ, तो बहुत सारी बात तो ना मुझको याद नहीं रहता कि यार मैं वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना। मैं तो एक्चुअली क्या है कि जो रेगुलर यूट्यूबर्स हैं ना, जो सिर्फ यूट्यूबर्स ही हैं, जो मतलब जिनका काम ही है कि उनको 3 दिन के लिए 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए घूमने जाना है, तो वो 10 दिन सिर्फ कैमरे के साथ में घूमेंगे, तो वो रेगुलर यूट्यूबर्स हैं। मैं उस तरह का नहीं हूँ यार, मुझे तो पूरे दिन राइड करनी होती है और उसमें से 10 मिनट का वीडियो भी बनाना मेरे लिए तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप साइकिल पे चलते चलते है ना, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाने की कोशिश करना कितना मुश्किल होता है भाई, वो तब पता चलेगा। भाई बागड़ी बोलूँ भैया, के बोलूँ बागड़ी में, खास बात को नहीं। अभी यार ये इस निर्मल भाई को जवाब देना यार, क्या बातें करते हो यार, हम हिंदुस्तानी हैं, धनों को प्लेन में कैसे लेकर जाते हो सर? धनों को प्लेन में मैं एक दो बार मुझे ट्रैवल करना पड़ा है, फ्लाइट करनी पड़ी है भाई। मैं कोई कहता है कि मैंने अब तक फ्लाई नहीं किया या ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं है, तो मैंने एक दो बार फ्लाई किया है। तो मैं क्या कि धनों का अगला टायर निकाल के साइड में लगा देता हूँ और हैंडल खोल के साइड में लगा देता हूँ और पैडल खोल लेता हूँ, वो साइड में रख लेता हूँ और एक डब्बे में डाल के और ले जाता हूँ।
आप काउसर्फिंग क्यों नहीं करते? काउसर्फिंग यूरोप में आप कर सकते हो, बट काउसर्फिंग में हम साइक्लिस्ट को सेफ्टी इश्यू आते हैं यार। ऐसा हुआ है काफ़ी साइक्लिस्ट के साथ में कि आप एक पास रुक के हो, आपका सारी चीज़ें उस काउसर्फर के पास में शो ऑफ होती है, और नेक्स्ट डे आप रोड पे होते हो, तो आपको काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ यार। ब्रदर हमको आपके वेलकम करेंगे, लव फ्रॉम ब्रिटिश। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक्स लॉट। हाँ बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद 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 कुछ नहीं है यार, ये तो अपने कुछ भी बोलो। और बताओ भाई, अभी क्या है कि मेरे को मैसेज दिखने बंद हो गए। रोटी फ्रेश मिल जाती है? रोटी नहीं मिलती भाई, सच्ची बताना, सुखी रहना, रोटी नहीं मिलती। अभी यूके में मिल रही है, जापान में नहीं मिली थी, जापान में कर रहा हूँ, इसमें यूरोप में नहीं मिली थी, यूके में मिल रही है। यूके में गुरुघर मिल जाता है, तो मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन रोटी अच्छी मिल जाती है। तो चलूं भाई लोगों, और एक रिक्वेस्ट जाने से पहले आप सबसे सिर्फ दो दो बार, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें ये वीडियो नहीं, अपना चैनल लाइव करना। यार मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, चैनल से सब्सक्राइब करवाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट कर देना भाई। आप लोगों के भरोसे मैं चल रहा हूँ, तो खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जाऊँ क्या भाइयों, बता दो, जाऊँ यार ज़्यादा लगे भाई, भाई बहुत ज़्यादा लगे, नाक ना टमाटर वर्गी हो रही है अब, क्योंकि जगह भी देखनी है यार। क्या है कि यहाँ पे अभी 5 बजे हैं, और 5 बजे अंधेरा हो गया, पूरा बुरा पूरी तरह से अंधेरा हो गया भाई। तो मैं 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा हूँ, जितने भी भाई यहाँ पे जुड़े हैं वो इंस्टाग्राम पे, मैं उनमें से किसी एक भाई को से बातें भी करेंगे, तो जिस भी भाई से मिल पाऊँगा, तो आ जाओ भाई इंस्टाग्राम पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं अब बाय बाय। लव यू ऑल यार, और स्पेशली ये आज के डिनर वाले भाई का, जोगिंदर बांगड़ साहब का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और बाकी तो पता नहीं है, बट रब रखा, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, और जय हिंद, वंदे मातरम।